साथियों, आज़ादी के तराने के पिछले कार्यक्रम में आपने देखा कि किस प्रकार से 1857 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। एक चिंगारी सुलगी और देखते ही देखते उस चिंगारी ने शोले का रूप धारण कर लिया। इस चिंगारी को शोला बनाने में समाज के हर वर्ग ने अपना योगदान दिया। क्या राजा, क्या जमींदार, क्या सेठ, क्या साहूकार, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या धर्म के सुधारक या नेता, आम जनता, हर कोई इस लड़ाई की जंग में एक होकर जुट गया और इस लड़ाई में हर एक ने अपनी जान की परवाह न कर अपना योगदान दिया। आज़ादी की इस लड़ाई में आग में घी डालने का काम किया सिपाहियों के विद्रोह ने, जो मंगल पांडे ने शुरू किया और देखते ही देखते पूरा भारत विद्रोह की लपट से धधक उठा। इधर बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया और उधर पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी ओर आज़ादी की गूंज गूंजने लगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ इतनी वीरता से युद्ध किया कि अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। सारी अंग्रेजी सेना आश्चर्यचकित रह गई कि एक वीरांगना स्त्री इस प्रकार से साहस से युद्ध कर सकती है। महारानी लक्ष्मीबाई के इसी साहसपूर्ण युद्ध की झलक आप देखेंगे आजादी के तराने के इस भाग में। Oh!
पटना से सारा देश आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। कानपुर, लखनऊ, बनारस, बिठूर, सतारा, दिल्ली, सभी तरफ अंग्रेजी सेना भागती फिर रही थी। खान बहादुर खान, हजीमुल्ला, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे शहीद इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे। ऐसे में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी साम्राज्य से भीषण युद्ध किया। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता आज भी हमें जोश भर देती। चमक उठी सन 57 में तो तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर खोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉटर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ बंद आसमानों में। अंधविश्वासों से उबरकर स्वाधीनता के मुख्य संघर्ष में भाग ले सके। लेकिन दूसरी तरफ
अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना शिकंजा कसने और ज्यादा से ज्यादा लूटपाट मचाने के उद्देश्य से छल प्रपंच दमन शोषण वालगांव की राजनीति का ऐसा जाल बुना कि देशवासी त्राहि त्राहि कर उठे। जिस जगह कानून के डर से ज़बा हिलती नहीं, जिस जगह बीमार मुफलिस को दवा मिलती नहीं, मुल्क पे गैरों का घेरा खत्म होता ही नहीं, क्या कयामत है, अंधेरा खत्म होता ही नहीं। वक्त गुजर रहा था, छोटे बड़े कई आंदोलन हुए और हम गुलाम देश में जीना सीखने लगे। लेकिन इसी बीच बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा, जो जल्द ही जन जन की अभिव्यक्ति का माध्यम बना। और इसी बीच 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। कुछ ही दिनों में अंग्रेजों ने बंग भंग कर दिया, यानी बंगाल के दो टुकड़े। पंजाब में भी उन्होंने किसानों के आंदोलन को कुचल कर रख दिया। उधर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अहिंसा का आंदोलन शुरू कर चुके। प्रथम विश्व युद्ध में हमारी रही सही शक्ति भी जवाब दे गई। एक तरफ भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई थी, तो दूसरी तरफ तरह तरह के कर लगाकर अंग्रेजों ने हमारे मानवीय अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया। इसका पूरे देश में विरोध होने लगा और अंग्रेजों ने गुस्साए हुए लोगों को और यातना देने के लिए रोलैंड एक्ट पास कर दिया, जिससे भारतीय जनता पर नई पाबंदियां लग गई। 4 अप्रैल 1919 समूचे देश ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। अंग्रेजों ने कई बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया। गुस्साए लोग हर मंच से अपनी बात कहने लगे। आजादी के दीवानों सरे रख नंगा करके कोड़े लगाए जाते, कुहनी के बल घिसट कर चलने को मजबूर किया जाता, घरों में बिजली पानी बंद कर दिए गए, लोग एक शहर से दूसरे शहर जा नहीं सकते। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अपने नेताओं की गिरफ्तारी और उन पर किए जाने वाले सरेआम अत्याचार के विरोध में 20,000 लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जमा। जनरल डायर ने अंग्रेजी अहंकार की ताकत दिखाते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। बेगुनाहों पर बमों की बेखतर बौछार की, दे रहे हैं धमकियां बंदूक और तलवार की, हम गरीबों पर किए हैं जिसने सितम बे इंतहा, याद भूलेगी नहीं उस दारे बदकार की। 12 साल का भगत सिंह इस घटना से एकदम खामोश हो गया और घटना के ठीक तीसरे दिन जलियांवाला बाग पहुंच गया। Thank you.
मन भूख नहीं है। हमरो इस मिट्टी में हमारे देश के लोगों का खून मिला है। झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन लड़ते लड़ते उसने दिखा दिया कि भारतवासी किसी से कम नहीं है शौर्य में और साहस में। अंग्रेज अपनी सेना के बल पर, आधुनिक हथियारों के बल पर, अपने कपट के बल पर जीतते चले गए और हम हारते गए, हारते गए, हारते गए। लेकिन भारत के नेताओं ने, समाज सुधारकों ने यह जाना कि अगर हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है तो भारतीयों को शिक्षित करना होगा, सामाजिक कुरीतियों के अंधकार को मिटाना होगा, सबको जागृत करना होगा, अंधविश्वास को खत्म करना होगा, तभी हम आज़ादी की इस जंग को जीत सकते हैं। एक तरफ भारतीयों में चेतना के स्वर गूंजने लगे तो दूसरी ओर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते चले गए। उनका शोषण, दमनकारी नीतियों और क्रूरता ने भारत की जनता को हिला दिया। उन्होंने मनमाने अत्याचार करने शुरू कर दिए, नेताओं को जेल में ठूंसकर तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी और तब तो हद पार कर गई जब निहत्थी जनता पर जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के विरुद्ध जनरल डायर ने सारी जनता को क्रूरता से, गोलियों के बौछार से भून डाला। देखते देखते सारी धरती लहूलुहान हो गई, धरती का कण कण रो उठा। इस पूरी घटना का प्रभाव नन्हे भगत सिंह के हृदय में इतना ज्यादा पड़ा कि वो आंसू निकाल नहीं पाया और खून के घूंट पीकर रह गया। उसका हृदय छलनी हो गया, वो द्रवित हो गया। इसके आगे की आजादी की गाथा आप देखेंगे इस कार्यक्रम के अगले भाग में, जो विशेष रूप से आपके लिए ही बनाया गया है।